अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ठीक है सब? आज हम आए हैं इधर लाहौर म्यूजियम में। ये एक छोटी सी गैलरी है, यहाँ पे चीज़ें नमाइश के लिए रखी गई हैं। आप तोहफे वगैरह ख़रीद सकते हैं जो इनके पास पड़े हैं। अभी तक वो आदमी खोल रहा है, चलते हैं टिकट लेते हैं फिर जल्दी से। टिकट ले लिया है हमने, तो अब हम चलते हैं अजायब घर के अंदर। चाइनीज भी आए हुए हैं, सुबह सुबह का वक्त है। खुश आमदीद। चलते हैं जी म्यूजियम के अंदर। सबसे पहले इस्लामिक गैलरी, इसमें मुसलमान हुक्मरानों के इस्तेमाल में जो चीज़ें थी, उनके लिबास, तलवारें, ये म्यूजिकल जो जो इस्तेमाल करते हैं, वो सब इस गैलरी में। ये उनके लिबास हैं। ये कश्मीरी शावलें जिनको चादरें कहते हैं। ये जूते हैं जो वो पहनते थे पहले, अब तो ब्रांड आ गए बाटा सर्विसेज। ये जूते तो आप लोग पहने भी ना, जो ये पहनते हैं। के इस्तेमाल के बर्तन, लकड़ी पे काम किया हुआ है सारा। ये हाथी के दांतों की बनी हुई चीजें हैं इसमें। ये हाथी के दांतों के बना हुआ लैंप है। ये मौसीकी के आलात हैं, क्योंकि शुरू से ही मुसलमान कुरान जो है ना, मौसीकी के बड़े शौकीन थे। जैसे हम आजकल गिटार इस्तेमाल करते हैं ना, ये वैसे ही मौसीकी के आलात। ये देखें ये कितना बड़ा है, इस पर तो बंदा बैठ के इसको बचा सकता है। ये भी सारे बर्तन हैं, काली मिट्टी के बर्तन। ये सारे बर्तन हैं उनके इस्तेमाल के। ये पत्थर हैं, कीमती पत्थर हैं। ये हैं हिंदू मज़हब के उनके देवता, ये सारे उनके पड़े हैं। हिंदू और बुद्ध मत, ये उनकी तहजीब है सारी। ये सारे उनके देवते हैं। चलें अब अगली गैलरी में चलते हैं। ये हमारे पाकिस्तान की सखावत है। कश्मीर के लोग बर्तन, लिबास, पंजाब। चोलिस्तान,
सिंध। डीजी खान। ये भी डीजी खान के स्टॉल है। इसमें चूल्हे में अभी तक आग जली हुई है, ये देखिए। ये बलूचिस्तान, बलूचिस्तान की सकाफत। खैबर पख्तूनख्वा। नॉर्थन एरिया। स्वात। इसके बाद हम जाएंगे पाकिस्तान मूवमेंट गैलरी में, जहाँ पे जंग की सामान वो देखते हैं। पाकिस्तान मूवमेंट गैलरी। ये गोले पड़े हैं जो 1965 की जंग में भारत ने फेंके थे। ये तीर, तीर कमान जो पहले इस्तेमाल होते थे, खंजर, नेजे। ये तलवारें हैं, ये लिबास है जो थी तलवारों से बचने के लिए पहनते थे। ये भी लिबास है, तलवारें पड़ी हैं सारी। फिर जदीद दौर आ गया, उससे आगे तलवारों की जगह बंदूकों ने ले ली। ये बंदूकें पड़ी हैं पुरानी, पिस्तौल। ये भी बंदूकें पड़ी हैं पुरानी, तलवारें भी नीचे पड़ी हैं। ये भी बंदूकें हैं सारी। ये सारी बंदूकें। चलें अब आखिर में हम कुरान गैलरी में जाते हैं, जहाँ पे हाथ से लिखे कुरान पाक और उसके नुस्खे पड़े हैं।